नमस्कार दोस्तों, सभी पेरेंट्स अपने बच्चे के जन्म के बाद उसका वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन, जिसे हम आम भाषा में टीकाकरण कहते हैं, जरूर करवाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी आयुर्वेदिक वैक्सीन के बारे में सुना है? जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेदिक वैक्सीन स्वर्णप्राशन के बारे में। बच्चे के जन्म के बाद नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल के अनुसार उसका रोगों से बचाव के लिए अलग अलग टीकाकरण होता है, जैसे BCG वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। लेकिन ये जितने भी वैक्सीन हैं, बच्चे में एक स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट ही काम करती हैं, उसकी ओवरऑल इम्यूनिटी को नहीं बढ़ाती हैं। तो बच्चे की ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उसकी मेंटल परफॉर्मेंस और साथ ही साथ फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आचार्य काश्यप जी ने हजारों वर्षों पहले स्वर्ण प्राशन का वर्णन किया है। अब सवाल उठता है कि ओवरऑल इम्यूनिटी की आवश्यकता ही क्या है? कोरोना वायरस के बारे में हम किसी को नहीं पता था कि ऐसी कोई बीमारी आने वाली है, और कोरोना काल के समय में जिस चीज़ की लोगों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, वो थी उनकी इम्यूनिटी। तो आगे आने वाले समय में भी ऐसी कितनी बीमारियां आने वाली हैं हमें नहीं पता, और उनमें भी हमें इम्यूनिटी की ही आवश्यकता पड़ेगी। तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे बेस्ट है स्वर्ण प्राशन। सवाल उठता है कि स्वर्ण धातु का ही प्रयोग क्यों किया गया, किसी अन्य धातु का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? स्वर्ण धातु को श्रेष्ठ धातु का दर्जा दिया गया है। हजारों वर्षों से हमारे आचार्य स्वर्ण धातु का रोगों से बचाव तथा उनकी चिकित्सा के लिए प्रयोग करते आ रहे हैं। प्रेगनेंसी से पहले भी जो माता पिता एक स्वस्थ और मेधावी बच्चे की कामना रखते हैं, उनको स्वर्ण धातु का आंतरिक प्रयोग करवाया जाता है। स्वर्ण का शारीरिक क्रियाओं में महत्व आचार्य काश्यप जी ने हजारों वर्षों पहले ही जान लिया था, शायद इसी वजह से उन्होंने स्वर्ण प्राशन का वर्णन किया। रिसर्च स्टडीज में पाया गया कि नवजात शिशु के बालों में और उसके लीवर में स्वर्ण धातु पाई जाती है, प्लेसेंटा में भी स्वर्ण धातु के कुछ कण पाए जाते हैं। साथ ही साथ स्वर्ण धातु का प्रयोग इनफर्टिलिटी की चिकित्सा के लिए भी किया जाता है। रिसर्च में पाया गया कि स्त्रियों के यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग में भी स्वर्ण धातु पाई जाती है, और पुरुषों के शुक्राणु में भी स्वर्ण धातु उपस्थित होती है। शुक्राणु एक ऐसा बायोलॉजिकल मटेरियल है जो रिचेस्ट सोर्स ऑफ गोल्ड है। तो इन सब रिसर्च स्टडीज से पता लगता है कि हमारी शारीरिक क्रियाओं में स्वर्ण का अत्यधिक महत्व है। करते हैं स्वर्ण प्राशन के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। आचार्य काश्यप जी ने बताया है कि स्वर्ण प्राशन पूर्व दिशा की ओर मुख करके एक साफ पत्थर पर पानी और स्वर्ण को घिसकर फिर उसमें शहद और घी को मिलाकर बच्चे को चटाया जाता है। आचार्य सुश्रुत जी ने अन्य जो भी मेधावर्धक जड़ी बूटियां हैं, जैसे ब्राह्मी, शंख पुष्पी इत्यादि, उनको भी स्वर्ण के साथ मिलाकर बच्चे को चटाने के लिए बताया है। रसायन कर्म और पुंस्वन कर्म के लिए आचार्य सुश्रुत और चरक जी ने स्वर्ण का प्रयोग माह के पुष्य नक्षत्र वाले दिन करने के लिए बताया है, जिसके कारण आजकल आयुर्वेदिक चिकित्सक स्वर्ण प्राशन का प्रयोग भी माह के पुष्य नक्षत्र वाले दिन करने लग गए हैं। माह में केवल एक दिन स्वर्ण प्राशन का प्रयोग करने से जो भी इसके सारे लाभ हैं, वो हमें अच्छी प्रकार से नहीं देखने को मिलते। तो जिस प्रकार आचार्य काश्यप जी ने बताया है कि स्वर्ण प्राशन का प्रयोग करना चाहिए, उसी प्रकार अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो जितने भी इसके लाभ हैं, वो आपको अच्छी प्रकार से देखने को मिलेंगे। बात करें इसके लाभ के बारे में, तो आचार्य काश्यप जी ने स्वर्ण प्राशन के लाभ कुछ इस प्रकार बताए हैं। स्वर्ण प्राशनम हयेन मेधा अग्नि बलवर्धनम आयुष्यम मंगलम पुण्यम वृषम वर्ण्यम ग्रहापहम। यानी के स्वर्ण प्राशन मेधा इंटेलेक्चुअल पावर, अग्नि डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म, बल फिजिकल स्ट्रेंथ, इन सबको बढ़ाने वाला होता है। आयुष्य है मतलब आयु को बढ़ाने वाला है, पुण्य कारक है, कल्याण कारक है, वृष्य है यानी के फर्टिलिटी को बढ़ाता है, वर्ण्य यानी के चेहरे पर कांति लाता है और कलर और कॉम्प्लेक्शन को साफ करता है।
साथ ही साथ ग्रह पहम मतलब जो भी इविल स्पिरिट्स हैं उनसे आपके बच्चे को बचाता है। अगर इसका प्रयोग एक माह तक किया जाए तो आपका बच्चा परम मेधावी होगा, उसकी इंटेलेक्चुअल पावर बहुत बढ़ेगी, साथ ही साथ उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगी। लेकिन अगर लगातार 6 महीने तक स्वर्ण प्राशन का प्रयोग करवा जाए तो उसके लिए आचार्य काश्यप जी ने बताया है कि बच्चा श्रुतधर हो जाएगा, मतलब जो भी वो सुनेगा वो चीज़ उसे याद हो जाएगी। ये सब आचार्य काश्यप जी ने स्वर्ण प्राशन के बेनिफिट्स बताए हैं। तो माह के अकॉर्डिंग उसके बेनिफिट्स हैं, 1 माह और 6 माह। तो जो भी बेनिफिट्स आपको चाहिए आप उसके अनुसार आपके बच्चे का स्वर्ण प्राशन करवा सकते हैं। लेकिन किसी नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सालय से ही स्वर्ण प्राशन का प्रयोग करवाएं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो आपके फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और आपके जो भी थॉट्स हैं इस वीडियो के बारे में या कोई भी क्वेश्चंस हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।